गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपका गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। और अनुसूचियों के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री ऑलरेडी हम पूरा कर चुके हैं और मेरे को आशा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अब साथ ही मैंने कल वादा किया था कि भाई जो तीन अनुसूची पढ़ने के बाद उसको हम वापस कुछ रिविजन के रूप में पढ़ेंगे, तो उसी कड़ी के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई जो 12 अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियों में क्या लिखा हुआ है। तो एक बार इसकी सरसरी नजरों से इस चीज को जब देख लिया जाएगा तो अपने को वो जो अनुसूचियां के अंदर क्या चीज कहना चाह रहा है वो अपने माइंड के अंदर वो चीज सेट हो जाएगी। तो बात करते हैं अनुसूचियों के अंदर। सबसे पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची के अंदर क्या बताया गया तो दोस्तों ध्यान रखना, पहली अनुसूची बताया 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है, यह पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट दूसरी अनुसूची के अंदर बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है तो दूसरी अनुसूची के अंदर लिखा हुआ, इस अनुसूची के अंदर देश के जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी है, देश के जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों के जो वेतन व भत्तों का जो उल्लेख किया गया वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया, दूसरी अनुसूची के अंदर किया गया। लेकिन साथ साथ बताया इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ध्यान रखना, उसको जो वेतन मिलेगा उसको किसके रूप में वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। फिर बात करेंगे तीसरी अनुसूची की, तो इस अनुसूची के अंदर बताया देश के जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया, तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख किया गया। पर दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताया था इस अनुसूची के अंदर जो राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों की शपथ का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही पदाधिकारी संविधान की रक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, संविधान की रक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये भी बताया था केंद्र व राज्यों के जो मंत्री हैं वो पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी शपथ का स्पेशली अलग से उल्लेख नहीं है। जो मंत्री लोग शपथ लेते हैं, मंत्रियों की शपथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ को शामिल माना जाता है। नेक्स्ट फिर आएगा आपके चौथी अनुसूची, और दोस्तों चौथी अनुसूची के अंदर बताया गया कि जो भारत देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर क्या किया गया, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा लिखा गया, और जो ये सीटों का बंटवारा लिखा गया वो संविधान की चौथी अनुसूची के अंदर लिखा गया। और ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा सदन में कितनी लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। फिर नेक्स्ट पांचवी अनुसूची की बात करेंगे, पांचवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ भारत देश की समस्त अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों, भारत देश की सभी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन या जो नियंत्रण का उल्लेख लिखा गया वो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर लिखा गया है, वो संविधान की पांचवी अनुसूची के अंदर लिखा गया। किसका लिखा हुआ है, STSC मिस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। फिर नेक्स्ट बात करेंगे छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में आपको मैंने बताया था आपको याद रखना है अमेमित्री, याद रखो आप ATMM, याद रखो ममता, इन तीनों में से जो भी चीज आपको याद होती है वो सूत्र के रूप में आप याद रख सकते हो। अब यहां पर जो मैंने लिखा अमेमित्री मीन्स असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा, या क्या लिखा मैंने, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है, असम, मेघालय,
मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों के जो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया, वो जो प्रशासन लिखा गया है वो लिखा गया है छठी अनुसूची के अंदर लिखा गया दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना। फिर बात करेंगे सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची में क्या किया गया, केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच या मध्य किसका बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया। और शक्तियों का बंटवारा किया गया जिसके तहत मुख्य रूप से तीन सूचियां बताई गई, और वो तीन सूचियां है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब विषयों की संख्या हो गई 100 जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब विषयों की संख्या 61 जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या 47 थी बढ़कर 52 हो गई जिसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर किसी कानून को लेकर दोनों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने ये चीज बताई थी आपको कि भाई इसके लिए एक संविधान में संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था, राज्य सूची के जो पांच विषय थे उन पांच विषयों को किसके अंदर जोड़ा गया था, उन पांच विषयों को समवर्ती सूची के अंदर जोड़ा गया। जो मैंने बताया था वो पांच विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव, बाघ व मापतोल, परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे पांच विषय थे जिसको क्या किया गया संविधान की सातवीं अनुसूची के अंदर समवर्ती सूची के अंदर जोड़ दिया गया। साथ ही साथ आपको एक अवशिष्ट सूची के बारे में बताया, और अवशिष्ट सूची जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है, और अवशिष्ट सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं किया गया है और जिस पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार। फिर दोस्तों बात करेंगे आठवीं अनुसूची के अंदर, और आठवीं अनुसूची में बताया देश की जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया, भाषा या भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा 14 थी, वर्तमान संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा 22 है। और आपको मैंने संविधान संशोधन बताए थे और वो बताया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट बताया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक जोड़ा गया, मींस नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। और नेक्स्ट बात करेंगे 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बदमाश को जोड़ा गया, मींस बोडो, डोगरी, मैथिली व संताली भाषा को जोड़ा गया। ऐसे करके वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या हो गई वो हो गई 22। अब साथ ही साथ इसके अंदर मैंने बताया था कि जब भाषाओं की बात आती है तो इसके अंदर हिंदी का उल्लेख होता है, तो हिंदी भाषा भारत देश की राष्ट्रभाषा नहीं, भारत देश की राजभाषा घोषित की गई है। और वो राजभाषा जो घोषित की गई वो किसके अंतर्गत घोषित की गई दोस्तों, तो ध्यान रखना संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया गया। और आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देश की क्या किया गया था, राजभाषा बनाया गया। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताया था हिंदी भाषा को देश की राजभाषा गोपाल स्वामी अय्यंगार की सिफारिश पर बनाया गया। नेक्स्ट फिर मैंने आपको नवी अनुसूची बताया, और इसके लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, और सबसे पहला प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, और वो संविधान संशोधन 1951 में किया गया जिसके अंतर्गत संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत किसका उल्लेख, भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण संबंधी कानून को जोड़ा गया था, जो वाद योग्य नहीं था, जो वाद योग्य नहीं था। लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय देते हुए ये कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कहा गया था 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए विषयों को लेकर न्यायालय में क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। और ये कानून भारत देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करेंगे दसवीं अनुसूची की, और दसवीं अनुसूची के अंदर बताया कि भाई दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची है
दसवीं अनुसूची और इसको भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय जोड़ा गया था। और इस कानून को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 91वां संविधान संशोधन 2003 भी लागू किया गया। फिर दोस्तों बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, और 11वीं अनुसूची के अंदर आता है पंचायत राज, जिसको क्या किया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग क्या जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 क से ण के से ओ तक क्या किया गया, पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया, पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत अगर विषयों की बात करें तो कुल विषयों की संख्या इसके अंदर हो जाएगी 32। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण पंचायत राज व्यवस्था को जोड़ते हुए कुल 29 विषयों का इसके अंदर उल्लेख किया गया। और लास्ट अनुसूची की जो बात करते हैं वो अनुसूची है आपकी 12वीं अनुसूची। वो अनुसूची कौन सी है, 12वीं, और इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ, और वो संशोधन है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग जुड़ा, और वो भाग क्या जुड़ा, 9 क जुड़ा दोस्तों, भाग कौन सा जुड़ा, 9 क, और अनुच्छेद 243 त से य छ पी से जेड जी तक क्या किया गया था, पी से जेड जी तक नगर निकाय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और जब विषय की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो विषयों की संख्या है वो विषयों की संख्या है 18। याद रखना 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 का अनुच्छेद 243 त से य च नगर निकाय व्यवस्था को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कुल 18 विषय का उल्लेख है। अब दोस्तों आपको रट्टा कैसे मारना है, ध्यान रखना है, पहली अनुसूची, पहले अनुसूची में क्या बताया गया, पहले अनुसूची में बताया 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो क्या बताया, देश के जो पद अधिकारी है उन पद अधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया। और नेक्स्ट तीसरी अनुसूची के अंदर बात करेंगे तो देश के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तो संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया। चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया, चौथी अनुसूची में लिखा गया राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांच अनुसूची में क्या लिखा गया, तो आपको याद रखना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब एसटीएससी राज्य क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। और छठी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, याद रखना है अमेमितिरी असम मेघालय मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। सातवें में आपको ध्यान रखना है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा या केंद्र राज्यों के बीच में संबंध। आठवीं अनुसूची में क्या बताई, प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाएं। और आपको नवीं अनुसूची के अंदर बताना क्या है, तो ध्यान रखना भूमि या संपत्ति अधिग्रहण संबंधी कानून को जोड़ा गया। और दसवीं अनुसूची में ध्यान रखना है दल बदल संबंधी कानून को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, पंचायत राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, नगर निकाय व्यवस्था को जोड़ा गया। तो रट्टा मार दो दोस्तों, क्या है, पहले अनुसूची 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। दूसरी अनुसूची क्या बताया गया, पद अधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी में शपथ। चौथे में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांचवें में एसटीएससी। छठे में अमेमित्री। सातवां में केंद्र राज्य संबंध। आठवां में भाषाएं। नौवां के अंदर क्या बताया गया, भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण। दसवां में दल बदल। ग्यारहवां में पंचायत राज। बारहवां में नगर निकाय। एक बार और दोहरा देता हूं, पहले अनुसूची 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में वेतन भत्ते। तीसरे में शपथ। चौथा में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांचवें में एसटीएससी। छठे में अमेमित्री। सातवां में केंद्र राज्य संबंध। आठवां में भाषाएं। नौवां में ध्यान रखना भूमि या संपत्ति अधिग्रहण संबंधी कानून। और दसवां में दल बदल। ग्यारहवां में पंचायत राज। और बारहवां में नगर निकाय। दोस्तों इसी के साथ ये अनुसूचियों का टॉपिक खत्म होता है, और मेरे को आशा है, पूर्ण आशा है कि आपने इस टॉपिक को रट्टा मार लिया होगा, याद कर लिया होगा। और आपको ये चीज बस इस तरह से याद रखनी है, ये यही पूछा जाता है किस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया। दोस्तों आज अनुसूची का टॉपिक पूरा किया, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के अंदर। तो ओके, टाटा बाय बाय।